एफर्मेशन, आज हम एफर्मेशन में दृढ़ता के साथ बात करने के लिए जो विषय दिया गया है पास्टर क्रिस ओयाकिलो में द्वारा, जो विषय दिया जाता है एफर्मेशन, दृढ़ता से बात करने के लिए, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, वचन के अनुसार दृढ़ता के साथ बोलने के लिए जो विषय दिया गया है, गॉड हैज़ ग्रांटेड मी डायरेक्शंस, परमेश्वर ने मुझे दिशाएं दी है, परमेश्वर ने मुझे दिशा दिया है। हम इसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोलेंगे, लेकिन जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं वो इंग्लिश में उसे बोलना है, मुंह से अंगीकार करना है ऊंची आवाज़ में, और अगर हिंदी में करना है तो आप हिंदी में इसे बोलना है, अंगीकार करना है। इसकी वजह से आपके मुंह से शब्द जो निकलते हैं वो काम करते हैं, इसीलिए हमने इंग्लिश या हिंदी जो चाहिए या अपने कोई भाषा में इसे बोलना चाहते उसमें बोलिए, लेकिन आपको बोलना, अंगीकार करना मुंह से बोलकर, ये बेहद ज़रूरी है। आई अफर्म दैट द वर्ड ऑफ गॉड हैज़ ग्रांटेड मी डायरेक्शन, स्पीड, inspiration, counsel and wisdom. मैं दृढ़ता के साथ बोलता हूँ, परमेश्वर के वचन ने मुझे दिशा, तेजी, प्रेरणा, सलाह और बुद्धि दी है। My spirit is constantly equipped, refreshed and educated by the word to produce excellence and manifest righteousness. मेरा आत्मा लगातार तैयार किया हुआ है, ताज़ा किया गया और सिखाया गया है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उत्कृष्टता को उत्पन्न करने के लिए और धार्मिकता को प्रकट करने के लिए। आई हैव बीन अशर्ड इन टू अ लाइफ दैट इज़ बियॉन्ड द ऑर्डिनरी प्लेन of natural perception. मेरे जीवन में एक अद्भुत ऐसा ज्ञान है, सोधी है, जो साधारण रीति से स्वाभाविक सोधी रहती है उस तरह की नहीं। I am full of might and ability of the spirit. मैं सामर्थ्य से भरा हुआ और आत्मा के काबिलियत का भरा हुआ हूँ। I am like a tree planted by the waters that spreads out her roots by the river. मैं वह पेड़ हूँ जो पानी की जगहों में रोपा जाता है, जिसके जड़ नदियों में फैलते जाते हैं। I do not know when heat comes. मुझे पता नहीं चलता है कब गर्मी आई। आई एम प्रॉस्परस एंड ट्रायम्फेंट ऑलवेज इन क्राइस्ट जीसस। मैं समृद्ध और जयवंत हूँ हमेशा मसीह यीशु में। Hallelujah. I am well positioned, seated with Christ
इन हेवनली प्लेसेस फार अबाव ऑल द हार्डशिप्स ट्रबल्स एंड पेरिल्स इन द वर्ल्ड। मेरे पास ऊंची जगह है और उस जगह में जहाँ मसीह है उसके साथ मैं बैठा हूँ, स्वर्गीय जगह में। सबसे दूर है वो, सारे कठिनाइयों से दूर, परेशानियों से दूर और जगत के हर एक क्लेश से दूर है वो। आई एम ऑफ अ डिफरेंट ब्रीड और मैं एक अलग जाति हूँ। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द सफरिंग मासेस। मैं क्लेश को सहने वाले समूह में से नहीं हूँ। गॉड हैज हैंड पिक्ड मी आउट ऑफ द मासेस, आउट ऑफ द करप्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वर्ल्ड इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन। मुझे परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है उन समूहों में से जो जगत के नाशवंत प्रभाव के नीचे है और मुझे उसके परमेश्वर के इकलौते प्रिय बेटे के राज्य में लाया है। आई एम इन अ सेफ प्लेस, अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी एंड डोमिनियन। हालेलुया। मैं एक सुरक्षित जगह में हूँ, ऐसी जगह जो प्रभुता और अधिकार की जगह है। हालेलुया। माय वे इज पेव्ड बाय द लॉर्ड। आई वॉक दोज पाथ्स दैट हैव बीन लेड आउट फॉर मी बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड आई प्रॉस्पर इन ऑल माय वेज। मेरा मार्ग प्रभु द्वारा तैयार किया गया है, मैं उस मार्ग से चलता हूँ जो मेरे लिए जगत के नींव बनने से पहले रखा गया है और मैं सारे मेरे मार्गों में समृद्ध होता हूँ। I am of the day and not of the night. Therefore, darkness has no place in me. मैं दिन के लिए हूँ और रात के लिए नहीं। इसके लिए अंधेरे को मुझ में कोई जगह नहीं है। I am the light of the world. My calling is to illuminate the hearts of men. मैं जगत के अंदर उजियाला हूँ। मेरी बुलाहट मनुष्यों के हृदयों में उजियाला करना है। When I arrive anywhere, illumination comes and confusion and perplexity are dispelled. मैं जब भी आता हूँ कहीं पर से भी, कहीं पर मौजूद हो जाता हूँ तो
मेरे साथ साथ उजियाला आता है और हर एक गड़बड़ी हड़बड़ी उस जगह से निकल जाती है। महिमा हो परमेश्वर की, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर की, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने दिए हुए वचनों के आधार से हमने बहुत कुछ जो परमेश्वर कहता है उसी आधार से निडरता के साथ और दृढ़ता के साथ हमें बोलना है। ऐसे बोलने की वजह से उद्धार के परे जो हमारे लिए उद्धार के लाभ रखे हुए हैं वो हमको मिलते हैं आनंद करने के लिए। पास्टर क्रिस ओयाखिलो में हमें इस विषय से समझाते, हम अन्य भाषा में बातें करेंगे। री बाखा ला रहा अहश्केर बकुम रखा ला रहा अहत्यान तुखम बरखा ला रहा सा रदान अहका बशखेन अहकबर रखो ला रहा हतेती नमक अहस्यान तुखम बरखा ला रहा सा रिद अहल लबह अहत्यान तुखम बरखा ला रहा अहश्केर बरखो ला रहा सा रदान अहका बशखेन अहकबर रखो ला रहा हतेती नमक अहस्यान तुखम बरा रुद अहल लबह हसिया स्कूल बरखान दा रहा अहश्केर बरखो बरको सा वहत अहन महताल अहल लबह हतिया खुम लगा हसा वहत अहन अह खबरों को बहातीन ए कबर रखा ल रहा सा तो ही न एह का बसीहान तो खबरों को ल रहा लहल लख तीन एह कबर रखा ल रहा अह शेख रबरे के सियान तो खम बर्रा। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।